वेलकम बैक बच्चों, एक्सरसाइज 16 डिवाइड के अगले पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। ये सारे डिवाइड आप लोग या कोई भी एक क्लिक में बना सकते हैं मोबाइल से या कैलकुलेटर से, लेकिन अगर आप लोग मोबाइल या कैलकुलेटर का यूज़ करके बड़े नंबर का डिवाइड आप बनाते हैं तो बन तो जाएगा। आप जानते हैं पहले से भी हैं कि डिवाइड इस प्रकार से बनाया जाता है, उसका क्या रूल होता है वो जानते हैं, लेकिन बड़े नंबर का डिवाइड बनाने में अक्सर बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल लो रहता है, उन्हें लगता है कि निश्चित रूप से ये गलत हो जाएगा, और सचमुच ही उनके साथ ऐसा ही होता है। इसीलिए हम लोग इसको बनाने में मेहनत करेंगे। अगर हम कई बार इसको रिवीजन करके बनाते हैं, मेहनत करके बनाते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई हो जाता है और हम आसानी से इसको बना सकते हैं, और हमें ये बार बार गलती भी नहीं होता है, हमें ये विश्वास हो जाता है कि हम इसे आसानी से बना सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसको मैं इसको खास करके आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ। तो आइए हम लोग 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3485 से डिवाइड करना है, 20, 83, 506 इसको डिवाइड करना है, तो 3000 का टेबल हम लोग को पढ़ना होगा। तो यहाँ पे तो 2083 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि हम लोगों को 5 डिजिट नंबर लेना होगा, 20000 लेना होगा। 3 का टेबल पढ़ने से 6 बार में 3, 6 जा 18 आता है, और यहाँ पे 20 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको 6 बार में ट्राई करते हैं। तो 3, 4, 8, 5 × 6, 6, 5 जा 30, 3 हो गया हाथ में, 8, 6 जा 48 और 3, 51, 5 बच गया, 6, 4 जा 24 और 5, 29, 2 बच गया, 6, 3 जा 18, 20 हो रहा है, यहाँ पे 900 आ जा रहा है, इसका मतलब है कि 5 बार में कंफर्म है, ये 5 बार में ही जाएगा। तो ये पता कर लेते हैं कि 5 बार में कितना आता है, 5, 5 जा 25, 2, 8, 5 जा 40 और 2, 42, 42, 4 बच गया, और 6, 5, 4 जा 20, 20 और 4, 24, 2 बच गया, 5, 3 जा 15 और 2, 17 कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, 17, 4, 25, 4, 25 माइनस करेंगे 0, 1, 4, 10 में 7, 3 ये हो गया ख़त्म, और यहाँ पे आ गया 0। 3 का टेबल में 9 बार में 27 आएगा, तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। 3, 4, 8, 5, 9, 9, 5 जा 45, 4, 9, 8 जा 72 और 4, 76, 7, 9, 4 जा 36 और 7, 36, 4, 40 और 3, 43, 3, 4, 9, 3 जा 27 और 4, 31 इतना रहा, तो इतना ही आएगा, क्योंकि हम लोग 10 बार में ले नहीं सकते, ये रूल है, 10 बार में नहीं लिया जाता है। तो 9 बार हम लोग लेंगे इसको, 31, 360, 365, 0, 5 हो गया यहाँ पे, 9, 6, 3 और यहाँ पे 0 हो गया, 10, 3, 7 यहाँ पे, 3 में 1, 2 और ये कट गया। यहाँ पे 6 ऊपर से नीचे ले आते हैं, 27, तो 9 बार में इतना जा रहा है, और हम लोग 9, तो हम लोग 8 बार में चेक कर सकते हैं, क्योंकि 3, 8 जा 24 आता है, तो हम लोग 8 बार में चेक कर लेते हैं इसको, 3, 4, 8, 5, 8, 8, 5 जा 40, 0, 4, 8, 8 जा 64 और 4, 68, 6 बच गया, 8, 4 जा 32 और 6, 38, 3 बच गया, 8, 3 जा 24 और 3, 27 इतना आ रहा है, ये ज़्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब है कि ये 7 बार में जाएगा। तो कंफर्म करते हैं कि 7 बार में क्या आएगा, 3, 4, 8, 5, 7, 7, 5, 35,
35 5 3 हो गया, और 87 जा 56, 56 और 3 59 5 हो गया, और 74 जा 28 और 5 33 3 बच गया, 73 जा 21 और 3 24 24। तो इतने बार में जाएगा, 7 बार में हम इसको ले जाते हैं, 24 और 395 इसको हम माइनस करते हैं 115 में से, 96 यहाँ पे 2 हो गया, 12 हो गया यहाँ पे, 39 और यहाँ पे 6 और 2 हो गया, ये कट गया, और इसके आगे कुछ भी नहीं है और इतना ही रहेगा। तो इसका कोसेंट हो गया 597 और रिमाइंडर 2961, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, इसका दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग लेंगे, 10 ये 5908 से डिवाइड करना है, 230 6245 इसको डिवाइड करना है, 5000 हम लोग 5900 इसका मतलब है कि 6000 का लगभग है, तो हम लोग 6000 मान के चलना होगा। तो यहाँ पे 2000 और यहाँ 23000 लेना होगा, तो इसको एक बार में 5 डिजिट को डिवाइड देना है, तो 5 4 जा 20 होता है, 5 4 जा 6, 6 3 जा 18, 3 बार में हम लोग लेते हैं, 3 या 4 बार में उतने में जाएगा, तो हम लोग चेक करते हैं इसको, 5 5 900 8 3 8 3 जा 24 4 2 0 2 9 3 जा 27 7 2 बच गया, 5 3 जा 15 16 17 इतना जा रहा है, 17 और 5 अगर हम लेते हैं, 17 और 6 लेना होगा, ऑलमोस्ट 6000 के इक्वल है, तो 6 इसमें लेंगे 23, इसको एक बार हम लोग चेक कर ही लेते हैं, 5908 4 8 4 जा 32 2 3 हो गया, फिर 0 आ गया, फिर ये 3 यहाँ पे आ गया, और 9 4 जा 36 3 बच गया, और 5 4 जा 20 और 3 23 600 है यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं है, और 62 है ये, तो इसका मतलब है कि ये 3 बार में ही जाएगा, तो कंफर्म हो गया, ये 3 बार में हम इसको ले जाते हैं, 17 7 24 7 24 इसको माइनस करते हैं, 12 में 4 8 5 में 2 3 10 में 7 3 और यहाँ पे हो गया 2 12 में 7 5 ये ख़त्म हो गया, और यहाँ पे इसको 4 को ऊपर से नीचे लाते हैं 53, तो 53 ये 8 बार में जाने की संभावना है, 5000 और ये 5000 9 बार में, 9 8 या 9 में हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, इसको थोड़ा सुपर करते हैं, इसको 5908 पहले हम लोग 8 बार में चेक करते हैं, 8 8 64 6 0 6 9 8 72 2 7 40 47 47 एक बार इसको और चेक कर लेते हैं, 9 बार में चेक कर लेते हैं, 5 9 0 8 9 9 8 72 7 0 हो गया, तो ये 7 यहाँ आ गया, 9 9 81 8 हो गया, और 5 9 45 45 और 8 50 53 53 इसका मतलब है कि 9 बार में ही जाएगा, क्योंकि 53300 है और यहाँ 100 है, तो 9 बार में ही इसको ले जाते हैं, 53172 इसको माइनस करते हैं, 4 में 2 2 8 में 7 1 3 में 1 2 और 3 में 3 0 कट गया और यहाँ से 5 लिए, लेकिन फिर भी ये इसके बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये रिमाइंडर हो जाएगा, और ऊपर से कोई भी अंक नीचे आता है और डिवाइड नहीं जाने पर यहाँ पे एक 0 लग जाता है, तो इसका कोसेंट आ गया
390 और रिमाइंडर 2125, ये दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम लोग आइए चलते हैं अगले।